स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप से बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और आज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हमारी ब्लॉग आई हुई है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। और साथ ही जो भी हमारे इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 और आज हमारे घर में काफ़ी स्पेशल चीज़ बन रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बन रहा है। तो बने रही वीडियो पे ऐसे ही। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा मछली जो कि आज हमारे घर में फ्राई होने वाली है, और इधर तेल भी गर्म हो रही है, इधर मेरी माँ बैठी हुई है फ्राई करने के लिए। तो चलिए मछली फ्राई करते हैं आज। डोरी मछली। और आज फर्स्ट टाइम हमारे घर में पक रही है। और दोस्तों अभी लाइट है बट फिर भी अंधेरा दिख रहा है। इधर इनकी कैमरा कर लाइट पकड़ी हुई है ताकि आप लोग तो बढ़िया से देख सकें। चलिए फ्राई होने देते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए एकदम कितना मस्त लग रहा है, एकदम सुनहरा सुनहरा एकदम, और खुशबू एकदम काफ़ी मस्त। तो देखिए मेरी माँ भी एकदम कुर्सी में बैठ के किस प्रकार मछली को फ्राई कर रही है, एकदम पूरा मिजाज में। और उधर रिंकी फोन में बात कर रही है, इस बार कर्मा में बाजा गाजा नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, तो इधर उधर भागने के फिराक में है। ना हमनी बटे आज एकरा संजोत कर ले तुम का उपवास लगे संजोत उपवास। और इधर मछली भी बन रहा है, और इधर मेरा घर डेक्ची खाना देख सकते हैं पूरा एकदम बिखरा हुआ इधर उधर। और यहीं पे हम सोते हैं, अपना खटिया लगाते हैं। इधर रहा भूतिया रूम, देखिए टीवी लगा हुआ है, काफ़ी पुराना टीवी है, रिचार्ज नहीं है दोस्तों इसलिए बंद पड़ा है। देखिए आज होम टूर करवा दिए आपको, होम टूर बोल रहे हैं, रूम टूर अपने घर का। देखिए देखिए पिताजी अभी मछली का वेट कर रहे हैं, कब तक होगा मछली का फ्राई। हाँ थोड़ी ना करबो माने उपास तुपास सब करबो माने थोड़ी डर ना पूजो। इस साल हमारे यहाँ पूजा करना नहीं बन रहा है दोस्तों, काफी अंधेरा है। अभी हाथ में वो लाइट ले लिए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो चलिए छत के ऊपर पहुँचते हैं। देखिए भूत बांग्ला जैसा दिख रहा है मेरा घर, एकदम भूतिया घर जैसा। देखिए कपड़ा वपड़ा टंगा हुआ है एकदम पूरा। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी ब्लॉग शूट हो रही है, और काफ़ी समय का अभाव है इसी कारण ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाते हैं। तो सोचे चलिए आप लोगों से कुछ इसी बहाने मिलते हैं, लाइव भी नहीं जुड़ पाते हैं आप लोगों से, बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद कर्मा है, झारखंड का सांस्कृतिक पर्व, जो कि काफ़ी अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है हमारे इस चैनल पे। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे छत के ऊपर आकर के, काफ़ी मस्त एकदम हल्की हल्की हवा बह रही है। तो चलिए बने रहिए, कुछ देर यहाँ पे आराम करते हैं छत के ऊपर, फिर आप लोगों से मिलते हैं।